एरिया 51। नाम सुन के पहले दिमाग में क्या थॉट आता है? एलियंस, यूएफओस, एक्सट्राटेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। पर आज हम एक स्टोरी की बात करने वाले हैं अबाउट अ गाय नेम्ड बॉब लज़ार। उन्होंने 1988 में एरिया S4, जो 15 माइल दूर है एरिया 51 से, वहाँ पे फ्लाइंग सोसर के सब कंपोनेंट रिएक्टर पे काम करा था। वहाँ पे वो लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस फ्लाइंग सोसर की टेक्नोलॉजी को डुप्लीकेट करना चाहते थे। बॉब लज़ार के हिसाब से ये फ्लाइंग सोसर बाइनरी स्टार सेटर रेटिकुलम है, जो 50 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमारे अर्थ से, वहाँ से आया है। और जिस रिएक्टर पे वो लोग काम कर रहे थे, वो रिएक्टर खुद से ही एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। आज के समय में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या सिस्टम बिल्डिंग है जो खुद से ही ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है? ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ मास चाहिए होता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर उन लोगों ने फिगर आउट के लिए कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, तो वो टाइम तक को कंट्रोल कर सकते हैं, जो बेसिकली टाइम डायलेशन में होता है। शॉर्ट में समझाऊँ तो आपने एक मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर, जिसमें वो लोग मिलर्स प्लेनेट में जाते हैं, वो एक ब्लैक होल गार्गेंचुओं के पास होता है। वहाँ पे कूपर मेंशन करता है कि मिलर्स प्लेनेट पे बिताया हुआ हर एक घंटा अर्थ में बिताए हुए 7 साल के बराबर है। क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज्यादा होता है कि वो टाइम तक को स्लो डाउन कर देता है। अगर ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी US गवर्नमेंट के पास है, तो वो लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन? क्या ये स्टोरी फेक है, क्या ये रियल है? आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ऐसे वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब।